प्रभु से विलग होने की घड़ी आ गई है। प्रभु श्री राम से दूर नहीं जा पा रहे हो तुम हनुमान, श्री राम भी नहीं चाहते कि तुम उनसे दूर जाओ, किंतु स्वामी को मर्यादा की बेड़ियों ने बांध रखा है, तो हनुमान को कर्तव्य की डोर खींच रही है। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए एवं हमें आशीर्वाद दें कि आपके कर्तव्य एवं मर्यादा के पालन की सीख से हम अपने राज्य और अपने प्रजा को सुखमय जीवन प्रदान कर सके। मेरा आशीर्वाद तो सदैव आप सबके साथ है। प्रभु को छोड़कर जाने की घड़ी आ गई है। नहीं 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 प्रभु, रोक लीजिए मुझे, आपका ये चरण सेवक आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहता। हनुमान, क्या हुआ? प्रभु, हनुमान तुम तो सदैव मेरे हृदय में हो। प्रभु, एक बार तो कहकर देखिए मुझे रुकने के लिए, मेरे प्रभु इतने निष्ठुर नहीं है कि अपने हनुमान को स्वयं से विलग कर दें। अब अवश्य प्रभु का स्वर सुनाई देगा। आई विरह की घड़ी दुखदाई, हो रहे दूर कपी रघुराई। एक सम दोनों रहूं पीड़ा, दो उदासा नयन महनीरा। सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान।
व्याकुल भगवन व्याकुल कपीसा, देखत भावुक माता सीता। मुड़ी मुड़ी देखी हनुमंत अधीरा, रोकिले कदाचित रघुवीरा। हनुमान, सब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। अपने प्रभु को छोड़कर कैसे कोई भक्त जा सकता है? हनुमान के लिए बहुत कष्टदायी होगा प्रभु से विलग होना। हनुमान जैसे प्रिय से कौन विलग होना चाहेगा? सीते ऐसा क्यों कह रही है? माता, मैं आप पर दोष? कैसा दोष माता? वचन ना निभाने का दोष माता, वचन भूल गए? मैंने तुम्हें कोई वचन दिया था, मुझे वचन पूर्ण करने का अवसर दिए बिना कैसे जा सकते हो तुम? मुझ माँ पर वचन ना निभाने का दोष लगेगा ना? हनुमान अपनी माता पर कोई दोष कैसे लगने देगा माता? माता, किंतु आप किस वचन की बात कर रही हैं? स्मरण करो पुत्र, अशोक वाटिका में जब तुम्हें भूख लगी थी तब मैंने तुम्हें अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन कराने का वचन दिया था। ये मेरा वचन है तुम्हें पुत्र, मैं अति शीघ्र अपने हाथों से भोजन पकाकर तुम्हें परोसने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माता, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। हाँ माता, मुझे स्मरण हो आया है। तो तुम बताओ पुत्र, यदि तुम ये भी चले गए तो मेरा वचन तो अपूर्ण रह जाएगा। मेरे मस्तक पर वचन ना निभाने का कलंक लग जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो पुत्र? माता, मेरे किसी कृत्य से आपका वचन टूटे, ऐसी दृष्टता आपका ये पुत्र कभी नहीं कर सकता। तो रुक जाओ पुत्र, मुझे अपना वचन निभाने दो। उस दिन मैंने तुम्हें भोजन कराने का सुख प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु अब मैं तुम्हें अपने हाथ से भोजन करा के पूर्ण दया तृप्त करना चाहती हूँ।
माता के नेत्रों से पुत्र के मन की व्यथा कभी नहीं छुपती। माता बिना कहे ही पुत्र की मनोदशा जान लेती हैं। आपने भी मेरे मन की व्यथा को जानकर मुझे प्रभु से इतने शीघ्र बिछुड़ने से बचा लिया। संकोच ना करो हनुमान, रुक जाओ यहां। माता सीता के वचन को पूर्ण करो। प्रणाम माता सीता। प्रणाम प्रभु। वचन निभाई माँ वैदेही, परम चरम सुख कपीश को देही। चतुराई से विरह दीटारी, हनुमत हरस हरस आभारी। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम की जय। 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 ये जयकारों का स्वर व्यथित कर रहा है निकुंभ को। अधर्म का नाश नहीं हो सकता। महामायावी निकुंभ के मायावी राक्षस सेवक धर्म से तृप्त मनुष्यों के मन में सहजता से अधर्म की भूख जागृत कर देंगे। पाप का विस्तार होगा, अधर्म की जय होगी। मैं कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ आ रहा हूं संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म को विस्तारित करने। तीव्रता से जागृत हो गई है माता। कब लाएंगी आप भोजन? अपने हाथ का बनाया हुआ अमृतमय भोजन। माता अब तो विलंब सहन नहीं हो रहा, अब शीघ्र आ जाइए। भैया, हनुमान तो आपका कार्य करते समय कई दिन तक भूखे रह लेते थे, किंतु आज हनुमान भूख से कुछ अधिक ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। मेरे पुत्र के लिए केसर वाली खीर मेवे डाल के बहुत पसंद है हनुमान को।
आहा, क्या सुगंध आ रही है। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा माता। बस बस अब हलवा हो गया है, अब इसे चूल्हा से उतार दो। अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। पुत्र, ये मोती चूर के लड्डू, ये देसी घी के पूरी, ये हलवा और ये केसरिया खीर, मुझे आशा है कि तुम्हें बड़े ही रुचिकर लगेंगे। हाँ माते, हाँ। इन व्यंजनों की तो सुगंध ही बता रही है माता कि इनसे अधिक रुचिकर कुछ और हो ही नहीं सकता। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम पुत्र? अपना भोजन आरंभ करो। हाँ माते। हनुमान तो भोजन पर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे भोले भाले नन्हे से बालक हो। प्रतिशोध, पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा निकुम। अब अपने प्रकार से कुंभ के मायावी राक्षसों, विकार ग्रस्त कर दो इनके मस्तिष्क को। माता, अभी तो ना ही मन भरा है और ना ही उधर। माता, मुझे और भोजन मिलेगा क्या? अवश्य मिलेगा पुत्र, मैंने तुम्हें वचन दिया था ना कि भोजन करा के तुम्हें पूर्णतया तृप्त करूंगी। किंतु माता, भोजन तो इतना स्वादिष्ट और रुचिकर बना है कि मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे आज मेरा मन तृप्त होगा ही नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं खाता ही रहूं, खाता ही रहूं। Thank you.
कृषक ही परिश्रम कर अनाज उगाकर मनुष्यों का उदर पोषण करते हैं। मायावी सेवकों कृषकों के मस्तिष्क में आलस और अकर्मण्यता का बीजारोपण कर दो। विकार ग्रस्त कर दो कृषकों को। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। अरे अब कौन कृषि करने जाए धूप में, आओ कुछ मनोरंजन करते हैं बैठकर। मैं तो विश्राम करूंगा। अधर्म फैलाकर अपनी भूख शांत करूंगा। हनुमान को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से भूखे। हाँ लक्ष्मण, किंतु अब लग रहा है हनुमान की भूख शांत हो गई। माता, मुझे तो और भूख लगी है। अपनी शुधा को तृप्त करने के लिए हनुमान एक बार सूर्य को भी अपना आहार बना चुके हैं। शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा स्थिति विकटपूर्ण भी हो सकती है। संपूर्ण व्यंजन समाप्त हो गए, किंतु हनुमान की शुधा अब भी शांत नहीं हुई। वचन अनुसार अब मैं हनुमान को कैसे तृप्त करूं? का पुत्र के लिए प्रेम अनमोल होता है। वो अपने पुत्र की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहती है।